DJ Moral Stories. जादुई मेकअप का पेड़। जैसे ही रूही अगली सुबह नींद से उठकर अपने घर के आंगन में जाती है, वो ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि उसके आंगन में एक जादुई मेकअप सेट का पेड़ उगा हुआ है, जिस पर ढेर सारे मेकअप सेट लगे हुए होते हैं। ये क्या, ये तो कमाल हो गया। इस जादुई पेड़ पर तो कई सारे मेकअप सेट है। अब तो मैं रोजाना मेकअप करके और खूबसूरत बनकर कॉलेज जा सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ये है रूही, जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। रूही के माता पिता गोपीनाथ और इंदु गरीब होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों रूही को गांव के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजते हैं। रूही जब भी कॉलेज जाती है, लड़के और लड़कियाँ उसका और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। लो आ गई है, जरा इसकी शक्ल तो देखो, जली हुई चाय जैसी शक्ल है इसकी। हाँ नित्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब ये बेचारी कहाँ हम लोग जैसा मेकअप कर सकती है, ये तो ठहरी गरीब। और वैसे भी इसे मेकअप मिल भी जाएगा तब भी ये मेकअप लगाकर भूत ही दिखेगी। रूही को अपना अपमान होते हुए देख और सुनकर बहुत बुरा लगता है। अरे ओ गरीब बदसूरत लड़की, चल जा यहाँ से, यूं काली बिल्ली की तरह घूर क्या रही है हमें, हैं? रूही कॉलेज के बाथरूम में जाकर खूब रोती है। वो दिन भर अपने चेहरे को आईने में ही देखती रहती है। मेरा चेहरा इतना खराब लगता है क्या? रूही घर जाकर ये बात अपने माता पिता को बताती है। तभी गोपीनाथ और इंदु कहते हैं, नहीं रूही बेटा, तुझे ऐसा किसने कहा कि तू बदसूरत दिखती है? अरे ये पापा की परी तो परियों जैसी खूबसूरत है। और तू तो सबके बारे में इतना अच्छा सोचती है, सबके लिए इतना करती है, तो फिर तू कैसे बदसूरत हुई बेटिया? असली सुंदरता हृदय से परखी जाती है, रंग रूप या चेहरे के हाव भाव से नहीं। ठीक है माँ। वो कॉलेज के स्टूडेंट्स रूही को उसकी गरीबी पर रोजाना चिढ़ाते हैं और उसका खूब तिरस्कार करते हैं, जिस कारण रूही को बहुत बुरा महसूस होता है। एक दिन जब रूही घर जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक हनुमान मंदिर दिखता है। वो उस मंदिर में जाती है और वहाँ के पंडित जी रूही के दुखी चेहरे को देखते हैं। क्या हुआ बिटिया, कौनो चिंता वाली बात है का? रूही भावुक होकर अपना दुख पंडित जी को बताती है। तभी पंडित जी कहते हैं, बिटिया इस मंदिर की काफी मान्यता है, ये मंदिर बहुत शक्तिशाली है, तुम जो मन्नत मांगोगी वो अवश्य पूरी होगी। धन्यवाद पंडित जी। भावुक और परेशान रूही हनुमान जी के चरणों में शीश रखकर उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। हे बजरंग बली, मैं जानती हूँ कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरी गरीबी के कारण लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, जिससे मेरे मन को बहुत ठेस पहुँच रही है। मुझे भी बाकी लोगों की तरह मेकअप करना है हनुमान जी, मुझे भी मेकअप करके सुंदर दिखना है। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकारिए हनुमान जी, आप तो अंतर्यामी हो। रूही रो रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर देववाणी होती है। रूही को साक्षात हनुमान जी के मुख से निकली हुई आवाज सुनाई देती है। रूही बिटिया, अपने आंसुओं को पोंछ दो, क्योंकि अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी प्रतिमा के चरणों में एक बीज है, उसे अपने आंगन में बो और फिर देखना, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। रूही की नजर हनुमान जी की मूर्ति के चरणों के पास पड़े एक जादुई बीज पर जाती है और वो उस बीज को अपने पास रख लेती है और खुश होकर कहती है, आपका लाख लाख धन्यवाद हनुमान जी। रूही अपने घर जाकर आंगन में वो जादुई बीज बोती है और अगली सुबह जब वो आंगन में आती है, तब वो जादुई मेकअप के पेड़ को देखती है। जादुई मेकअप के सेट का पेड़ रूही को विस्मय कर देता है। ये तो कमाल हो गया,
धन्यवाद हनुमान जी, आज मैं आपको अपने हाथों से बना हुआ भोग प्रसाद चढ़ाऊंगी और साथ ही इस मेकअप के पेड़ से मेकअप सेट तोड़कर उससे मेकअप करूंगी और कॉलेज में जाऊंगी एकदम बनठन कर। रूही अपने हाथों से हनुमान जी का भोग प्रसाद बनाती है और मंदिर जाकर उन्हें वो प्रसाद चढ़ाती है। वो उस दिन मेकअप लगाकर सजती सवरती है और कॉलेज जाती है। कॉलेज में सभी रूही के चेहरे के मेकअप को देखकर चौंक जाते हैं और उनकी बोलती ही बंद पड़ जाती है। हे भगवान, इस रूही को तो देखो, आज एकदम कैटरीना कैफ बनकर आई है ये तो। सच में यार, ये तो बहुत सुंदर लग रही है और लगता है इसने काफी रिच ब्रांड के मेकअप को लगाया है। लेकिन इसके पास इतने महंगे मेकअप को खरीदने के पैसे कहाँ से आए? वही तो। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हुआ? तुम चारों की शक्ल पर सुबह के 10 बजे ही दिन के 12 बज गए। हाँ, अरे कुछ तो बोलो, मुंह में दही जमाई है क्या सबने? रूही उनके सामने से एटीट्यूड दिखाते हुए जाती है और स्टाइलिश रूही को देखकर कॉलेज में सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में फैशन शो प्रतियोगिता की घोषणा होती है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे कॉलेज में होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा फैशन शो कंपटीशन, जिसे जज करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी और फैशन इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने मत देना, क्योंकि जीतने वाले को मिलने वाला है एक फिल्म में काम करने का मौका। वाह, ये तो बहुत ही बड़ा मौका है। ये कंपटीशन तो हर हाल में मैं ही जीत कर रहूंगी। लेकिन नित्या, अब इस कंपटीशन के मैदान में रूही नाम की खिलाड़ी भी आ चुकी है। इस गरीब फटीचर के पास अब मेकअप आ गया है और वो भी ऐसा मेकअप जिससे ये हमें भी फेल कर सकती है। रूही चाहे कितना भी महंगा मेकअप कर ले, इस कंपटीशन को हम ही जीत कर रहेंगे। तनीषा, आज रात तू और मैं इस रूही के घर जाएंगे और इसके पास जो मेकअप है उसे चुराएंगे। अरे वाह वाह नित्या, ये तो बहुत सॉलिड प्लान है, इससे तो वो रूही मेकअप कर ही नहीं पाएगी। क्रूर तनीषा और नित्या दोनों रात में ही रूही के घर पर जाती है और चुपके से उसके आंगन में लगे जादुई मेकअप के पेड़ को देखती है और उस पेड़ को देखकर हैरान हो जाती है। अरे तेरी, ये तो एक जादुई मेकअप का पेड़ है। ये पेड़ जो भी हो, जैसा भी हो, हमें इसे अभी इसी वक्त तोड़ना होगा और इसके ऊपर लगे सारे मेकअप किट तोड़ने होंगे। आधे तू रखना और आधे मैं रखूंगी। ठीक है नित्या। तनीषा और नित्या दोनों उस जादुई मेकअप के पेड़ पर लगे सारे मेकअप सेट तोड़ती है और उस पेड़ को उसकी जड़ से काट कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब रूही पेड़ को कटा हुआ देखती है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या, मेरा जादुई मेकअप सेट का पेड़? ऐसा नहीं हो सकता। रूही रोते रोते हनुमान मंदिर जाती है और वो हनुमान जी के सामने रोते बिलखते हुए कहती है, हनुमान जी, मेरा जादुई मेकअप का पेड़ किसी ने तोड़ दिया, अब मैं कल फैशन शो की प्रतियोगिता में क्या करूंगी? बिना मेकअप के तो मैं नहीं जा पाऊंगी। नहीं रूही, तुम कल बिना मेकअप के ही जाओगी। हाँ, क्योंकि असल सुंदरता तो व्यक्ति के मन की सुंदरता होती है और तुम्हारे जितना साफ और अच्छा मन बहुत ही कम लोगों का होता है। तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ, कल तुम्हारे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस तुम जो हो, जैसी हो, वैसे ही जाना। सच्चाई के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना और सबको असली सुंदरता की परिभाषा के बारे में बताना। हनुमान जी की ये बातें सुनकर रूही के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि सच्ची सुंदरता एक व्यक्ति की मन की सुंदरता होती है। अगले दिन जब प्रतियोगिता होती है तभी रूही बिना मेकअप के वहाँ जाती है और नित्या और तनीषा ने उसके मेकअप के पेड़ के सेट से मेकअप किया होता है। रूही और नित्या अंत में फाइनलिस्ट बन जाते हैं।
वो दोनों रैंप वॉक करके जजेस के सामने आती है। तभी तो रूही और नित्या, मैं अब तुम दोनों को एक आखिरी सवाल पूछूंगी और उस सवाल के और आज के रैंप वॉक के आधार पर हम विनर का नाम तय करेंगे। तो बताओ नित्या, तुम्हारे नजरिए में सुंदरता क्या है? मेरे नजरिए में सुंदरता एक व्यक्ति के रूप, रंग और पहनावे से परखी जाती है। उस व्यक्ति को सुंदर दिखने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप और अच्छे फैशन स्टाइल को कैरी करना आना चाहिए। वो होती है असली सुंदरता। ठीक है रूही, व्हाट अबाउट यू? मैम, मेरे नजरिए से असली सुंदरता वो होती है जो अंदर से होती है, तन की नहीं बल्कि मन की सुंदरता। बाहरी सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने मन से सुंदर हो तो वो मरते दम तक सुंदर रहता है। काला, गोरा, मोटा, पतला, इस सब से सुंदरता नहीं परखी जाती। और इसलिए मैंने आज मेकअप नहीं किया है क्योंकि मैं अपने रूप के रंग से बहुत खुश हूँ। रूही के नजरिए से सुंदरता की परिभाषा सुनकर जज बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, क्या जवाब दिया है तुमने रूही, अद्भुत। एंड द विनर इज रूही एवरीवन। तुम्हारा वॉक और टॉक दोनों से मैं खुश हो गई। तुम अब हमारी अगली फिल्म में काम करोगी। जय जय बजरंगबली। धन्यवाद मैम। नित्या को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रूही उस प्रतियोगिता को जीत जाती है और वो आगे जाकर एक बहुत बड़ी फिल्म अभिनेत्री बनती है।